नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है कि अपनी आवाज को सुरीला कैसे करें, मैं बात करने जा रहा हूँ उन लोगों की जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही उन्होंने कभी संगीत सीखा है, ना ही उनके पास सीखने का मौका मिला, फिर भी वो चाहते हैं कि वो अपनी आवाज को सुरीला करें। दोस्तों, अपनी हेल्थ के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ये सब हम अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, लेकिन अपनी आवाज के लिए आज तक मुझे नहीं लगता आपने कुछ किया होगा। अपनी आवाज को लेकर हम थोड़े नॉन सीरियस रहते हैं कि आवाज ठीक है, जो है ठीक है, लेकिन आप अपनी आवाज को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आवाज पहले से अच्छी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे गुरुजी का बताया हुआ टिप्स है और गुरुजी जो बताते हैं वो अच्छा ही होता है, आप सब जानते हैं। दोस्तों, दो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिनको आप डेली प्रैक्टिस करके 10 से 15 मिनट आपको इसका प्रैक्टिस करना है और जिससे आपकी आवाज, आपके वोकल कोर्ड्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर होगी, ये मेरा मानना है। तो उनमें से सबसे पहली एक्सरसाइज है हमिंग। हमिंग को कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद है ओम। ओम को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होती, वैसे ही हमारी जो आवाज है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होती, उसको एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपको उठते ही बिल्कुल भी बोलना नहीं है, बेड के ऊपर ही आपको बैठना है और हमिंग की प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 मिनट। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको अपने गले के ऊपर, अपनी आवाज के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देना, अपना मुंह बंद रखना है और नाक से सांस लेनी है और हमिंग की आवाज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज है दोस्तों ओम। ओम तीन शब्दों का मेल है, आ उ और म। हम सब जानते हैं आ उ और म, इन तीनों ध्वनियों से ही सारी की सारी ध्वनियां बनी है, इन तीन ध्वनियों से ही सारी की सारी ध्वनियों का विकास हुआ है। तो ओम को आप किसी रिलीजन से मत जोड़े, ये मैं किसी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा। ओम जो है वो एक साउंड है, एक ध्वनि है जिससे बाकी ध्वनियां, बाकी साउंड्स क्रिएट हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं। तो ओम का रियाज आपके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले हमिंग और दूसरा ओम। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो म्यूजिक नहीं करते या म्यूजिक को नहीं जानते। जो म्यूजिक को जानते हैं या म्यूजिक सीखना चाहते हैं उनके लिए और भी एक्सरसाइज है, जैसे वॉवल्स है, सा का रियाज है, आकार का रियाज है, उनको रोज करना चाहिए और वो करते भी हैं, तभी उनकी आवाज इतनी अच्छी रहती है। तो जो म्यूजिक नहीं सीखते उनके लिए ये दो एक्सरसाइज बड़े काम की चीज है। ओम कैसे बोलना है, हमें कैसे करनी है, आइए इसको करके देखते हैं। जो आपके वोकल कोर्स को, आपकी आवाज को एक्टिव करेंगे जब आप सो के उठेंगे, आप यकीन मानिए आप देखेंगे इन दो एक्सरसाइज के साथ आपके गले की कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इसलिए ये दो एक्सरसाइज बड़े काम की है, आप इनको आज से ही शुरू करें। और ये दो एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं, बस खाना खाने के बाद नहीं करना। वैसे आप दिन में और भी कभी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हमारे पास 10-15 मिनट तो होते ही हैं और बाकी दिन में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता क्योंकि काम बहुत होते हैं सबको। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सुबह उठते ही अपने बेड के ऊपर बैठ कर ही एक्सरसाइज करें। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे, आप समझ ना आए, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जाते जाते दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया दोस्तों।